वेतन विसंगति दूर करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। कोविड का प्रोत्साहन राशि देना होगा। हम सब एक है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोविड की प्रोत्साहन राशि देनी होगी, देनी होगी। प्रदेश सरकार के खिलाफ नर्सिंग स्टाफ ने वेतन विसंगति सहित काम के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित पांच सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, सरगुजा जिले में 300 से अधिक स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग स्टाफ कार्यरत हैं। वहीं आज छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 12 संगठन सामूहिक हड़ताल पर है। वहीं 2018 से वेतन विसंगति को लेकर नर्सिंग स्टाफ संघर्ष कर रहे हैं। इधर कोविड में काम करने वाले नर्सों को कोविड इंसेंटिव की भी मांग है। वहीं पुलिस विभाग के समान वेतन देने सहित डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित मांग छत्तीसगढ़ के हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले एक दिवसीय हड़ताल किया। बता दें कि हड़ताल के माध्यम से सरकार तक इनकी मांगों पर ध्यान आकर्षण करने की बात कही गई, तो वहीं मांग पूरी नहीं की गई तो 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। हेल्थ विभाग के तकरीबन 12 संघ ने एक संगठन बनाया है, क्योंकि लगातार सरकार के द्वारा हेल्थ विभाग को कहीं ना कहीं उनके मांगों के अनुसार, उम्मीदों के अनुसार दिया नहीं। अभी हर विभाग ने जिनने भी हड़ताल किया उनकी मांगें पूरी हुई, पर हम लोगों ने कोविड में 2 साल बिना अवकाश लिए काम किया, फिर भी हमको ना कोविड के समय भत्ता दिया गया, न ही हमारे सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। आए दिन हॉस्पिटल में मारपीट की घटनाएँ हो रही है, तो हमारे मेन मुद्दा है कि हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए, और अगर सरकार मतलब हॉस्पिटल में कार्य के दौरान अगर कोई घटना होती है तो उसमें प्रशासनिक तौर पे उस पर कार्रवाई हो, FIR हो, न कि जिस बंदे के साथ हुआ है, जिस कर्मचारी के साथ हुआ है वो FIR करे, क्योंकि उसमें बहुत सारा कोर्ट के पेचीदा चक्करों में पड़ना पड़ जाता है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के चक्कर में उनका डिमांड पूरा नहीं होता है या कार्रवाई नहीं हो पाता है आरोपी के प्रति। आज तो अभी एक दिन के सामूहिक हड़ताल पे हैं, पर अगर शासन हमारी मांगों पे विचार नहीं करती है, तो चूंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सारे हेल्थ विभाग हैं, तो हम मरीजों को सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केवल एक दिन का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे कि शासन को हमारी बातों से अवगत हो जाएं और हमारे मांगों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। मेरा नाम प्रमिला सूर्यवंशी है, मैं यहाँ DHS के अंतर्गत स्टाफ नर्स हूँ। हमारा यहाँ 5 सूत्रीय मांगों को लेके हम अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक दिवसीय हड़ताल है जिसमें ना पूरे तरीके से काम प्रभावित होगा, और सारे नर्सेस हैं प्रोविजनल जो न्यू स्टाफ हैं उनको छोड़ के, क्योंकि हमारी इमरजेंसी ड्यूटी है और हम जनता के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, और हमारा काम जो है सेवा का है। हमने सेवाओं को सर्वोपरि रखा है, इसको ध्यान में रखते हुए भी 2018 में भी हम लोग ने स्ट्राइक किया था, जेल गए थे, उस समय भी हम लोग जनता का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी भी प्रकार से काम को प्रभावित नहीं होने दिया, लेकिन इसका खामियाजा उल्टा हमको भुगतना पड़ा। जेल गए, प्रदर्शन किए, हमारी मांग को आज तक 5-6 साल हो गए, कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसमें सारे नर्सेस अब अभी 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं, काम प्रभावित है, और मैं यही सरकार से निवेदन करूंगी कि हमारी मांगों को जितनी विनम्रता पूर्वक स्वीकार करें और हमारी मांगों को पूरा करें। महिलाएं हैं, हम सारी नर्सेस महिलाएं हैं, महिलाओं को आगे आना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है, तो ये सरकार हमारी ओर क्या ध्यान दे रही है। जहां हम लोग देखिए 21 अगस्त को फिर इसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है, तो जाहिर सी बात है अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम 21 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। और यहाँ हमारे नर्सेस जो है 300 सारी नर्सेस स्ट्राइक पे हैं।